सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 6 का संस्कृत विषय का चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दश पाठ अर्थात पाठ 14, जिसका नाम है जंतुशाला। जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर, जंतुशाला जहाँ पर सारे जंतु रहते हैं तो वो कहलाया चिड़ियाघर। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ है जिनको की पढ़ेंगे। जंतुशाला, चिड़ियाघर, शुकम तोता को, बकम बगुला को, जंगुमा सियार को, गजम हाथी को, शशकम खरगोश को, अस्माकम हमारा। रंजयंती मनोरंजन करते हैं, उच्चेह जोर से, निवसती रहता है, और नेश्याम अर्थात ले जाओ। तो ये जो हमारा पाठ है जंतुशाला चिड़ियाघर, ये पाठ जो है ये एक पत्र है। जैसे कि कहानी होती है, पद्य श्लोक होते हैं, वैसे ये पाठ जो है इसका रूप है वो क्या है, पत्र है। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है, जिसमें वो चिड़ियाघर गया, वहाँ उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, और वह उस पत्र के माध्यम से अपने दूसरे मित्र को बता रहा है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आप चित्र के माध्यम से किताब में देख सकते हैं कि कुछ जंतुओं के चित्र दिए हुए हैं किताब में, और हो सकता है आपने भी कई चिड़ियाघर देखे हो। भोपाल नगरात प्रिय मित्र गोपाल सस्नेह नमस्ते, प्यारे मित्र गोपाल सप्रेम नमस्ते। अत्र सर्वं कुशलं तत्रापि कुशलं भवतु, यहाँ सब कुशल अर्थात ठीक है, वहां पर भी सब ठीक होगा। जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत में ऐसा ही लिखते हैं, आप जानते हैं। मम मासिक मूल्यांकनम समाप्त, मेरा मासिक मूल्यांकन समाप्त हो गया है। अहम जन्मेन सह जंतुशालां अगच्छम, मैं अपने माता पिता के साथ जंतुशाला गया था, जंतुशाला आया था। अर्थात क्या कह रहा है वो कि जंतुशाला अर्थात मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। किम त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो। जंतव अस्माकं मित्राणि सन्ति, कि जंतु हमारे मित्र होते हैं, जो सभी जानवर होते हैं वो भी हमारे एक प्रकार के मित्र ही होते हैं। जंतुशालाया जंतव अस्माकं मनांसि रंजयन्ति, चिड़ियाघर में जितने भी जानवर होते हैं वे हमारे मन को क्या करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, हमारे मन को रंजित अर्थात हमारा मनोरंजन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तत्र अहम वहां मैंने क्या क्या देखा, व्याघ्रम अर्थात बाघ, वहां मैंने व्याघ्रम जंबुकम वृक्षम गजम सिंहम वानरम मकरम शशकम हरिणम च अपश्यम, अर्थात बाघ सियार रीछ हाथी शेर बंदर मगर खरगोश और हिरण आदि को देखा। क्या कह रहा है वो कि मैं चिड़ियाघर जब गया तो मैंने इन सब जानवरों को वहां पर देखा। अहम तत्र शुकम, और मैंने वहां पर और क्या देखा, शुकम अर्थात तोता, बकम अर्थात बगुला, सारसम सारस, मयूरम मोर, हंसम हंस आदि तथा अन्य कई पक्षियों, वो तो मैंने पशु देखे है ना, जो पहले बताया शेर हाथी ये सब, और साथ ही साथ मैंने वहां पर इन पक्षियों को और इसके अलावा अन्य पक्षियों को भी वहां पर देखा। सिंह उच्चेह गर्जति, शेर उच्चेह अर्थात जोर से गरजती अर्थात गरजता है, दहाड़ता है, शेर जोर से दहाड़ता है। वानरः पंजरे भ्रमति उत्पतति च, और बंदर पिंजरे में घूमता है और उत्पात मचाता है, उछल कूद करता है। तस्य पूछम दीर्घ भवति, और उसकी पूंछ जो होती है वो दीर्घ अर्थात लंबी होती है। मकरः जले निवसति, और
अलम, अलम अर्थात बस। अति विस्तृत त्वम अत्र स्थितस्य प्राणी संग्रहालयस्य अवलोकनार्थं भोपाल नगरे मम गृहं आगच्छ। अब बस आगे विस्तृत में जब तू यहाँ स्थित चिड़ियाघर देखने के लिए आओगे भोपाल नगर मेरे घर, तब हम देखने चलेंगे तो तुम्हें मैं विस्तृत में बताऊंगा। तब जनकाय जनन्ये च नमः, तुम्हारे माता पिता के चरणों में मेरा नमस्कार। स्वस्ति अनुजाय, पत्रोत्तर शीघ्र लिख तू। अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देना और तुम्हारे पत्र के उत्तर, तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्र ही देना। तव मित्र, मेरे पत्र का उत्तर तुम शीघ्र ही लिखना। तव मित्र, तुम्हारा मित्र सुरेश। तो बच्चों ये था पाठ हमारा 14 जंतुशाला, जिसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को जब वो चिड़ियाघर घूमने गया तो उस विषय में बता रहा है। और आपको इस पाठ में कई पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं जिनको आपको संस्कृत